जैसे राहुल गांधी विपक्ष लगातार कहता है मोदी सरकार जब से आई है देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है, क्या कहेंगे? कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, क्या महंगाई बढ़ी है? कोई भूखा है क्या रोड पर? कोई नंगा है क्या रोड पर? कोई ना महंगाई है न कोई भूखा है हमारे देश में। हाँ, आज पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, लोग भूखे मर रहे हैं। 200-200 रुपये किलो आटे बिक रहे हैं, हमारे इंडिया में तो 30 रुपये किलो आटा बिक रहा है। अब एक जगह भी आतंकवादी घटनाएं नहीं की, पूरे देश में शांति है ना। तो पहले जो है, पहले के समय में हमेशा कहीं बम विस्फोट, यहाँ वहाँ, कहीं स्टेशन, कभी मंदिर, कभी मस्जिद में ऐसा होता था। 370 धारा खत्म कर दिए। इस देश की जो कल्चर है, पूरी दुनिया में भारत आध्यात्मिक नाम से जाना जाता है कि आध्यात्मिक गुरु, जगत गुरु यही भारत से पैदा हुए थे और इस भारत का जो है आध्यात्मिक वजह से नाम होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अयोध्या, मथुरा, काशी और उज्जैन जैसे जगहों पर जो है भव्य काशी जो है मंदिर बना हुआ है, कॉरिडोर बाबा विश्वनाथ का। आज ये जैन सैलाब उसी का देन है। इसका अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अगला प्रधानमंत्री यही मोदी जी ही होने चाहिए। हाँ, क्यों होने चाहिए? क्योंकि बहुत अच्छे हैं, प्रोग्रेस अच्छा किए और सब कुछ अच्छा किए। क्या अच्छा किया थोड़ा बता? क्यों? गरीबों को राशन दिए मुफ्त में, सब लोग खा रहे हैं मस्त, जो नहीं कमा रहे तो भी खा रहा है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ 2024 में मोदी जी आए। जैसे महामारी आया था उसमें जी वैक्सीन दिए, इस समय भूकंप आ रहा है उसमें जो है उन्होंने अनाज और राशन सहयोग दे रहे हैं। सीरिया, तुर्की जैसे वहाँ धर्म के बेस पर पक्षपात नहीं करें, इसलिए सारे मुस्लिम राष्ट्र जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका साथ देने को तैयार होने लगे हैं। इसलिए भारत की छवि जो है लगातार बढ़, इसलिए भारत के विपक्षी जो है सरकार के वो बौखला गए हैं कि मेरी जमानत जब्त हो जा रही है, मैं ऐसा कौन सा मुद्दा लेकर चलूँ जिससे इस देश में मतलब कि हमारी भी सत्ता कायम होगा। जी, हम खास बनारस के रहने वाले हैं, चेतगंज के आरसी हैं। तो जो चर्चाएं चल रही हैं लगातार 2024 को लेकर, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? लगातार जो है ना, हमारा संविधान जो है हमारी जनता को जो है अधिकार दिया हुआ है कि मत के अधिकार पर जो है आप शासक और शासन को चुन सकते हैं। उस 2024 में आने वाले चुनाव में हम ऐसे प्रत्याशी को देखते हैं जो प्रत्याशी योग्यता के हिसाब से हो कि हमारा देश की राष्ट्रीय स्वाभिमान और पूरी दुनिया में उसकी संदेश जाए। वैसे ही मैं देखने में अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं भाजपा के प्रधानमंत्री, उन्होंने 10 वर्ष लगातार जो है ऐसा शासन किया, पूरी देश में दुनिया में भारत की छवि को ऊंचा किए हैं। जिस वक्त हम खड़े हैं काशी का, ये देखिए पैगाम जन सैलाब का जो है, उनके काशी कॉरिडोर धाम बनाने के बाद जो है काफ़ी जो है लोगों की जनभावना पूरे देश में उमड़ पड़ी है कि काशी कॉरिडोर देखकर भगवान भोलेनाथ की नगरी में जाकर देखिए कैसा जो है यहाँ परिस्थिति है। इस स्थिति को देखकर देखिए जैन सैलाब उमड़ा हुआ है बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, लगातार माँ गंगा की आरती, उनके जो है संदेश में आता है कि माँ गंगा ने मुझे काशी में बुलाया है, इस स्लोगन के साथ काशी के धरती पर आए थे और यहाँ से परचम लहरा कर पूरी देश दुनिया में मानवता का संदेश जिन्होंने दिया है। आज देखिए कोरोना काल में है, पूरे विदेशों में जो है कोरोना का टीका उनका जाता था, आज तुर्की और जो है मतलब कि हाँ सीरिया में जो भूकंप आया है, मानवता के संदेश को देते, मानवता इंसानियत के बल पर पूरी जो है अपना हेल्प पहुंचा रहे हैं, लोगों की सहायता दे रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जो भारत की छवि को, पूरी अखंड भारत को पूरी दुनिया में कायम किया है, ऐसे प्रधानमंत्री जो है जो 2024 में पुनः जनता उन्हीं को वोट देने के लिए तैयार है, क्योंकि जो हमारी छवि पूरी दुनिया में जा रही है वह इसी व्यक्तित्व के हिसाब से जाएगी, क्योंकि हमारा अधिकार वोट का मिला है हमारे संविधान में। इसलिए जो है उस वोट के बल पर जो है हम इस दुनिया में कायम होंगे और हमारी छवि जाती है। क्या शुभ नाम? मेरा नाम है सोनम श्रीवास्तव। बनारस से हैं? नहीं, मैं जौनपुर से हूँ। जौनपुर से हैं। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। हाँ। तो इसका अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अगला प्रधानमंत्री यही मोदी जी ही होने चाहिए। हाँ, क्यों होने चाहिए? क्योंकि बहुत अच्छे हैं, प्रोग्रेस अच्छा किए और सब कुछ अच्छा किए। क्या अच्छा किया थोड़ा बता? क्यों? गरीबों को राशन दिए मुफ्त में, सब लोग खा रहे हैं मस्त, जो नहीं कमा रहे तो भी खा रहा है, जो कमा रहे तो भी खा रहा है, इतना हमारे इसके लिए थैंक यू। अच्छा, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, जैसे राहुल गांधी को जानते हैं आप? वो कह रहे हैं कि जानते हैं। हाँ, वो तो कह रहे हैं देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी। वो फालतू का बात कर रहे हैं। हाँ, क्या बर्बाद कर रहे हैं? सब कुछ तो कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि आप पूरा दम आप पूरा वही दे दे, सब कुछ ही कर दें क्या? धीमे ही धीमे प्रोग्रेस होगी, जल्दी तो प्रोग्रेस हो सकती नहीं कुछ भी है, तो धीमे धीमे स्लो ही स्लो हो सकता है। लड़कियों के लिए इतना सुरक्षा कर रहे हैं,
धन वो दे रहे, कोविड में आपको राशन मिल रहा है घर बैठे बैठे, तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, थोड़ा ही थोड़ा होगा ना, एकदम इकट्ठा तो कुछ कर सकते नहीं है, वो पूरा एक साल पूरा एक साथ सब कुछ हमको दे दे, जनता को ही दे दे, तो वो नहीं कर सकते। वैसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ 2024 में मोदी जी आए, मोदी जी आए। सब लोग जलन करते हैं इसके लिए, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ अफवाह उड़ाते हैं, और मोदी जी बहुत ही अच्छे हैं, और हम लोग सोचते हैं हरदम मोदी जी ही पहले क्यों नहीं आए। अच्छा, योगी जी के बारे में क्या कहेंगे प्रदेश में? वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, दोनों जन का नाम है, वैसे दोनों जन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। लगातार लोग कहते हैं कि ये मोदी योगी देश को बर्बाद कर रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं, लगातार लोग अपने बाप को भी कहते हैं, तो क्या लोग गलत ही हुए ना, तो मोदी जी भी सब। आप युवा हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या? हम कहना चाहते हैं कि योगी जी को वोट देना चाहिए, योगी जी आएंगे तो आगे ही प्रोग्रेस होगी, हम लोग को थोड़ा सा ही सुरक्षा मिलेगी और अच्छा होगा, इस बचना चाहते हैं बोलना। एक मिनट, जैसे महंगाई बेरोजगारी की जो बात होती है, क्या लगता है आपकी रसोई पे कुछ फर्क पड़ा है इसको लेकर? फर्क अच्छा पड़ेगा ही पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोग्रेस अगर जनता को मिलेगा, सब कुछ होगा, थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं प्रोग्रेस नहीं, वहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। किए हैं महंगाई इसलिए किए हैं, जो मीडियम लोग थे गरीब लोग थे वो भी सोच रहे हैं ऊंचे पे जाएं, महंगाई इसके लिए हुआ है वो कम। सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे, महिला सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षित? बहुत ही अच्छा सुरक्षा है, अभी फ्री होके घूमना है, फ्री होके आना जाना है, लड़के सब खत्म हो चुके हैं। ठीक ठीक, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी ही आने चाहिए, क्यों आना चाहिए मोदी जी को? 10 साल आपने दे दिए, अब क्यों देना चाहते हैं मोदी? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस देश को, इस देश, सभी लोग सारे जनता चाहती है कि सुख शांत, सुख शांति और समृद्धि जीवन में हो, और जो है शांति यहाँ कायम करने में 370 धारा जो है उनके एजेंडा में रहे, उस 370 धारा को हटा दे जिसको लेकर आतंकवाद पूरे भारत में और दुनिया का साजिश चलता था, कश्मीर में 370 धारा लागू करके जो लागू था वो निष्पक्ष नहीं था, पक्षपात था, इस देश में सबको संविधान दिया हुआ है सब राज्यों के समानता का, लेकिन उसको समाप्त करके इस देश में शांति व्यवस्था, अब एक जगह भी आतंकवादी घटनाएं नहीं की, तो पूरे देश में शांति है ना, तो पहले जो है पहले के समय में हमेशा कहीं बम विस्फोट यहाँ वहाँ, कहीं स्टेशन, कभी मंदिर, कभी मस्जिद में ऐसा होता था, 370 धारा खत्म कर दिए, इस देश की जो कल्चर है पूरी दुनिया में भारत आध्यात्मिक नाम से जाना जाता है कि आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु यही भारत से पैदा हुए थे, और इस भारत का जो है आध्यात्मिक वजह से नाम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अयोध्या मथुरा काशी और उज्जैन जैसे जगहों पर जो है भव्य काशी जो है मंदिर बना हुआ है कॉरिडोर बाबा विश्वनाथ का, आज ये जैन सैलाब उसी का देन है कि लोग दुनिया देखना, लाखों की भीड़ उसमें लगती है, पहले बहुत कम जगह था लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इसका बहुत सम्मान हुए है, तब से ये बना हुआ है बाबा विश्वनाथ धाम का जो कॉरिडोर वो काफ़ी जो है श्रद्धा का केंद्र बन गया है, स्वयं वह आते हैं तो काल भैरव काशी विश्वनाथ माँ दुर्गा जैसे जगहों पर जाके भारत की कल्चर को ऊंचाई दे रहे हैं कि यही जो है इसी से ज्ञान विज्ञान होता है, अब पूरे वेद पुराण शास्त्र बाइबिल जितने हैं दुनिया में ज्ञान प्रभु के ज्ञान से ही यहाँ विज्ञान चमकता है, उसको मोदी जी खुद दिखा रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी अपने जो है संस्कृति से भटके न, उन्होंने अयोध्या का दिखा दिया खूब भव्य मंदिर बन रहा है, काशी का बन गया, मथुरा जहाँ जहाँ जो है हमारी जो पौराणिक जिसमें महत्ता है आस्था का केंद्र उसी से समाज एक सुख समृद्धि या समृद्धि में जाता है, उन्होंने एक नया इतिहास कायम किया कि जो कोरोना काल में आया सारे जनता को 80 करोड़ जनता को भोजन अनाज देने का काम किया, ऐसे भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, जनता जो है कभी एगो भूखे मरने की नौबत नहीं आया है, भारत का ये इतिहास उन्होंने कायम किया है मानवता का इंसानियत का, सारे धर्म जो है मानवता इंसान का बिगुल फूकते हैं उन्हीं को किसी धर्म का नहीं मानवता इंसानियत का संदेश दे रहे हैं, इसलिए हम जनता को वोट जो है उन्हीं को देंगे, क्योंकि ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए जो मानवता के लिए पूरी जो है पश्चिमी जगत को आता है विपत्तियां, जैसे महामारी आया था उसमें जो वैक्सीन दिए, इस समय भूकंप आ रहा है उसमें जो है उन्होंने अनाज और राशन सहयोग दे रहे हैं, सीरिया तुर्की जैसे वहां धर्म के बेस पर पक्षपात नहीं करें, इसलिए सारे मुस्लिम राष्ट्र जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका साथ देने को तैयार होने लगे हैं, इसलिए भारत की छवि जो है लगातार इसलिए भारत के विपक्षी जो है सरकार के वो बौखला गए हैं कि मेरी जमानत जब्त हो जा रही है, मैं ऐसा कौन सा मुद्दा लेकर चलूँ जिससे इस
देश में मतलब के हमारी भी सत्ता कायम होगा, लेकिन हम जनता को अधिकार इतना मिला है कि हम किसको बैठाएंगे, हम जिसमें ताकत होगा, जिसको निर्णय की क्षमता होगा, बहुमत में जो रहेगा वही काम करेगा। बहुमत में होने का कारण मोदी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर कार्य कर रहे, जो है इंसानियत मानवता का मिसाल कायम कर रहे हैं। देखिए आज बच्चियाँ भी अभी बोली हैं, उन बच्चियों देखिए नारी सुरक्षित है, 112 नंबर पर कॉल करिए, घर में कोई अत्याचार मानव कर रहा है उसी का पति, तो अभी पुलिस आ जाती है, सभी लोग जो है हर लोग सुरक्षित है, शांति है, किसी प्रकार का कोई दंगा भड़कता नहीं है। मोदी जी का बाबा बुलडोजर के नाम से जो मोदी जी हैं, सारे आतंकवादियों को एकदम निपट चुके हैं, कोई भी इधर उधर करने के लायक नहीं है, या तो प्रदेश छोड़ के भाग गया है या तो अवैध कब्जा कर रहे हैं, तो उन पर बुलडोजर चल जाता है।